हमारी सरकार बनेगी तो जितने सांड यहाँ पे टहल रहे हैं ना, इनकी रखवाली करने के लिए ये प्रेजेंट के सीएम को देंगे, और स्टूल बनाने वाला काम यही लोग विश्वकर्मा भगवान है जो द्वारिकाधीश बनाए थे, और फिर द्वारिकाधीश बनाने जा रहे हैं राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का, और फिर इसके बाद स्टूल गढ़वाने का काम अगर किसी से करवाएंगे वो केशव प्रसाद मौर्य जी से करवाएंगे, यही हमारी मंत्री जी करवाएंगे, वो स्टूल गढ़ने वाले मंत्री बनेंगे, और माननीय राष्ट्रीय ये हमारे मंत्री जी पुनः शिक्षा मंत्री बन के अपने समाज को और यहाँ के पिछड़े लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, पीडीए के लोगों को वहाँ पे बना के जो है उनको एसपी डीएम। वो बेईमानी से प्रशासन का उपयोग करके सरकार का प्रभाव डाल करके जीतना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस बार बीजेपी को बेईमानी नहीं करने देंगे और इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और 27 का सरकार बनाने का रास्ता साफ करेगी। जहाँ तक फूलपुर उपचुनाव का सवाल है, पूरे देश की निगाह लगी हुई है और ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी हर हालत में जीतेगी और पूरे देश में संदेश देगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मजबूत है, पीडीए ही मजबूत है, माननीय अखिलेश यादव जी ही मजबूत है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टियां लगातार अपना दमखम क्षेत्रों में दिखा रही हैं। आज मैं फूलपुर में हूं और फूलपुर में आज मैं भुलईपुर बाबूगंज में हूं। सवाल इस बात का है कि जो उपचुनाव हो रहा है इस पर भी लोगों की निगाहें हैं कि 27 का जनादेश होगा, तमाम बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्षेत्रों में एक अलग पहचान बनाने वाले पूर्व मंत्री हमारे साथ रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं, जो लगातार क्षेत्रों में बने हुए हैं और क्षेत्रों में ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जिस तरह से सर उपचुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहा, तमाम बातों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस बात को लेकर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हताशा में है और निराशा में है और उन्हें रिपोर्ट मिल चुकी है कि ये उपचुनाव भी वो हारने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो आंदोलन है जी, वो इतना ज़बरदस्त है कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नींव हिला दिया और 37 सीटें जीत करके और 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा करके जो रिकॉर्ड एक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बनाया है, तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर गई है, बीजेपी के नेता लोग डर गए हैं, इसीलिए चुनाव को येन केन प्रकार वो बेईमानी से प्रशासन का उपयोग करके सरकार का प्रभाव डाल करके जीतना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस बार बीजेपी को बेईमानी नहीं करने देंगे और इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और 27 का सरकार बनाने का रास्ता साफ करेगी। आप तो पुराने नेता हैं सर, मुलायम सिंह मानी नेता जी के साथ भी आपने काम किया है, लोग कहते हैं कि उस समय इस तरह से चुनाव नहीं होते थे, सही तरीके से चुनाव होता था, लेकिन जिस तरह से डर अब बना रहता है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, इस बात को क्या? देखिए, बीजेपी के लोग घमंड में हैं, वो तानाशाही रवैये चल रहे हैं और वो जो है जो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। हिटलर भी चुनाव के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता में आया था जी। और उसके बाद तानाशाह बना था। बीजेपी ठीक उसी रास्ते पर चल करके तानाशाही का रास्ता अख्तियार कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतना समझदार है कि एक ज़माने में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को भी जो है पलटने का काम किया था, तो अब भारतीय जनता पार्टी की जाने की बारी आ गई है और ये उपचुनाव इस बात पर मुहर लगाएगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर के लोगों के मन में, बीजेपी के मन में डर है और कई बार सर्वे कराने के बावजूद भी मिल्कीपुर का चुनाव वो हार रहे थे, इसलिए उसको तकनीकी कारण दिखा करके उसको रोकने का काम किया है। जहाँ तक फूलपुर उपचुनाव का सवाल है, पूरे देश की निगाह लगी हुई है और ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी हर हालत में जीतेगी
और पूरे देश में संदेश देगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मजबूत है, पीडीए ही मजबूत है, माननीय अखिलेश यादव जी ही मजबूत है। अच्छा सर, जिस तरह से आप रुक कर यहाँ प्रचार कर रहे हैं, लगातार गाँव में जा रहे हैं, आज केंद्रीय कार्यालय का जो उद्घाटन था वहाँ भी आप थे, गाँव में क्या चर्चाएं हैं मुस्तफा सिद्दीकी को लेकर? देखिए, गाँव में बीजेपी से नाराजगी है, सरकार से नाराजगी है, महंगाई लगातार बढ़ा दी है, आम आदमी के लोगों का जीना दूभर हो गया है, किसान बुरी तरह परेशान है, उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, खेती कोई सुविधा नहीं मिल रही है, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सरकार में लगातार नौजवान परीक्षा दे रहा है इस उम्मीद में कि उसे नौकरी मिलेगी, लेकिन हर परीक्षा के पहले पेपर लीक हो जा रहा है, और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि गांव का गरीब का आदमी, किसान का आदमी, मजदूर का आदमी अब जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो लोग बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं, नाराज़गी है, और ये नाराज़गी चुनाव में निकलेगी और लोग साइकिल का बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराने का काम करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राम आश्रय विश्वकर्मा जी, तमाम लोग इनके साथ चल रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुंशी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज, मैं इनसे भी कुछ बातचीत कर लूं शॉर्ट में। स्वागत है सर। धन्यवाद। इस तरह से फूलपुर में आप भी लगे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, फूलपुर तो एकदम क्लियर है, और फूलपुर यहाँ समाजवादियों का गढ़ भी कहा जाता है। ये तो बेईमानी से जो है हमारे यहाँ लोकसभा हराया गया मौर्या जी को, और उसी तरीके से इनको पिछली बार चुनाव जो लड़ रहे थे इनको भी बेईमानी से हराया गया। और जब जनता के बीच में हम माननीय मंत्री जी के साथ जब चल रहे हैं तो यहाँ की जनता कह रही है कि माननीय मंत्री जी को एक जिम्मेदारी ये भी दे रहे हैं कि माननीय मंत्री जी हम लोग तो जिता देते हैं, मगर ये बेईमान सरकार जो है, ये बेईमान सरकार जो चल रही है, बेईमानी के माध्यम से यहाँ पे हम आपके प्रत्याशी को हरा देते हैं। तो माननीय मंत्री जी को एक अहम जिम्मेदारी यहाँ की पब्लिक भी दे रही है कि आप उस पेटी को कैसे बचाएंगे, इस चुनाव को कैसे बचाएंगे, और इसके बाद मुस्तफा सिद्दीकी को किस तरह से आप इनको बचा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करेंगे। तो इसीलिए मंत्री जी बराबर गाँव में चल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ और यहाँ के अगल बगल के गाँवों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इस बार घेराबंदी नाकाबंदी सब करके गांव में जाके जो है इस वोट को बचाएंगे और फिर मुस्तफा सिद्दीकी को जीता के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे और पहुंचा के संदेश देंगे कि 2027 में आप आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये जितने कहे जाते हैं ना पीला कलर वाला व्यक्ति, ये जानते हैं कि मंत्री जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, मगर ये तय करेंगे उनको, ये गुरु मंत्री बनेंगे, वो गुरु मंत्री बने। जब हमारी सरकार बनेगी तो जितने सांड यहाँ पे टहल रहे हैं ना, इनकी रखवाली करने के लिए ये प्रेजेंट के सीएम को देंगे, और स्टूल बनाने वाला काम यही लोग विश्वकर्मा भगवान है जो द्वारिकाधीश बनाए थे, और फिर द्वारिकाधीश बनाने जा रहे हैं राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का, और फिर इसके बाद स्टूल गढ़वाने का काम अगर किसी से करवाएंगे वो केशव प्रसाद मौर्य जी से करवाएंगे, ये हमारी मंत्री जी करवाएंगे, वो स्टूल गढ़ने वाले मंत्री बनेंगे, और माननीय राष्ट्रीय ये हमारे मंत्री जी पुनः शिक्षा मंत्री बनके अपने समाज को और यहाँ के पिछड़े लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, पीडीए के लोगों को वहाँ पे बना के जो है उनको एसपी, डीएम, कलेक्टर, इसके बाद अध्यापक बना के उनको सिरमौर करके उनको बैठाएंगे कि हमारा समाज जो है पीडीए का ये आगे बढ़ना जानता है, ये बुद्धिमान है, ये समाज को, ये देश को संभाल सकता है, ये प्रदेश को संभाल सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये संदेश जाएगा। चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी, वो प्रभारी बनाए गए हैं डॉक्टर मनोज जी, ये भी लगातार क्षेत्रों में हैं, और खबरों की फूलपुर की दिखाएंगे। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।